दुनिया भर में कोरोना महामारी ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया है। बेरोजगार हुए लोगों को आर्थिक तंगी ना हो, इसके लिए ऊना जिले में भाषा व संस्कृति विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। विभाग द्वारा चित्रकारों के माध्यम से जिले भर में वॉल पेंटिंग्स बनाई जा रही है। इससे जहां बेरोजगार हुए कलाकारों को काम मिला है, वहीं लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक बनाने में भी मदद मिल रही है। इन्हीं कलाकारों में से एक हैं सुनील सूरी, जिनके द्वारा बनाई गई चित्रकारी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उनका कहना है कि कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करने का भी ये एक माध्यम है। मतलब कि हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि मतलब कि लोगों को अवेयर किया जाए और अपनी आर्ट के थ्रू मतलब कि लोगों को मतलब कि अवेयर करने की कोशिश करता है। तो हमें भी मतलब कि एक मौका मिला, मेरे को मतलब कि मैं होम टाउन में आया हूँ तो लॉक टाइम का पीरियड था कि थोड़ा घर पे हूँ, तो कुछ करने की चाह भी थी बट सिचुएशन ऐसी थी कि कर भी नहीं पा रहा था। बट सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत कुछ किया, मतलब कि हम डॉक्टर्स को, नर्स वगैरह, पुलिस वाले जो सफाई कर्मचारी है, उनको इसमें दर्शाया गया, क्योंकि अगर ये लोग हैं तो मतलब कि हम हैं। जिला भाषा अधिकारी प्रोमिला गुलेरिया ने बताया कि आने वाले दिनों में विभिन्न स्थानों पर कलाकारों को पेंटिंग्स बनाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। जो दिन रात मेहनत करके प्रशासन और सभी विभाग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको एक धन्यवाद के स्वरूप में और उनको एक कार्य के लिए एक प्रोत्साहन देने के लिए ये कदम विभाग ने उठाया है, और आगे भी सभी कलाकारों से कोई ऐसे ही सहयोग देने के लिए और भी हम गांव में भी और आगे भी इसमें पेंटिंग का सोचा हुआ है कि और भी हम करवाएंगे। और संस्कृति के क्षेत्र में भी कलाकारों को अगर ऐसे हम कार्यक्रम नहीं करवा पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम कलाकारों को सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, यही विभाग की एक छोटा सा प्रयास है। कोरोना काल में भाषा व संस्कृति विभाग का ये प्रयास सराहनीय है। इससे जहां लोग जागरूक होंगे, वहीं बेरोजगारों को भी रोजगार का अच्छा साधन मिलेगा। डीडी न्यूज़ के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।